हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल एम किचन में स्वागत है। आज मैं लेकर के आई हूँ आपको मेथी का पराठा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। तो उसके लिए मैंने ये मेथी है फ्रेश, उसको मैंने धो के अच्छे से दो तीन पानी से तोड़ के रख लिया है। ये गेहूं का आटा है। यहाँ पर मैंने ये लहसुन अदरक का ये दरबरा पीस लिया है। धनिया की पत्ती है, हरी मिर्च है, बेसन है। आप बेसन डाल भी सकते हो, बिना बेसन के भी बना सकते हो, बन जाएगा अच्छे से। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ऑयल रखा हुआ है। नमक ले लिया, स्वाद अनुसार डालेंगे। हल्दी पाउडर है, ये अजवाइन है, इसको क्रश करके डालेंगे। तो सबसे पहले मैं ना आटा तैयार करती हूँ। ये मैंने मेथी को बारीक से काट लिया खूब अच्छे से। अब मैं आटा डोर तैयार करूंगी। मेथी डालेंगे इसको, थोड़ा सा बेसन। बेसन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, नहीं है तो भी नहीं डालिए। धनिया की पत्ती है, ये अदरक का लहसुन का जो मैंने दरबरा सो किया था इसको भी डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। हरी मिर्च है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा। जीरा, वो अजवाइन है, ये नमक, इन सबको अच्छे से मैश करेंगे। थोड़ा सा तेल डाल देंगे, तेल से बहुत ही अच्छा करारा सा बनेगा। इसको पहले मिक्स करेंगे अच्छे से। इसका आटा जो है बहुत गीला ना हो, मीडियम अच्छे से लगाना है। इसको अच्छे से देख रहे हो, ज्यादा गीला नहीं करना है, इसको सॉफ्ट सा आटा बनाना है। इसको ये हमने आटा देखे ऐसे रखना है आटा, इससे ज्यादा गीला नहीं, इससे ज्यादा टाइट भी नहीं। अब 10 मिनट के लिए मैं इसको रख दूंगी, तब तो आटा मेरा सेट हो जाएगा, फिर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए आटा हमारा रेडी हो गया है, तो अब मैं पराठा बना के दिखाती हूँ आपको। आप इसको 3-4 ऐसे पेड़े बना लीजिए। इस तरह से मैं 4-5 बना लेती हूँ पराठे, फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी।
तो ये हमारा गर्मा गर्म मेथी का पराठा बनके तैयार हो गया है। और देखिए कितना सॉफ्ट सा बनाई है। और आप इसको जो है सब्जी के साथ खा सकते हैं, दही के साथ, चाय के साथ, किसी के साथ भी। और सब्जी के साथ अगर खा रहे हैं तो छाछ तो बनता है, तो छाछ से और ही अच्छा टेस्टी बनेगा, ये खाने में टेस्ट अच्छा आएगा इसका। तो आप इसको बना के गर्मा गर्म खाइए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल एम किचन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।